नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के बाद आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जो शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। इसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं, साथ ही ज़रूरी काम से जुड़े कुछ लोगों को बाहर आने जाने की भी छूट दी गई है। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े कुछ लोगों को अपना वैध पहचान पत्र दिखाकर बाहर आने जाने की छूट दी है, लेकिन जिन लोगों को इन दो दिनों में कोई आपातकालीन काम आ गया है, उनको दिल्ली के DM ऑफिस से ई पास जारी किए जाएंगे, तभी उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। इसके अलावा कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में मेट्रो, बस सेवा पहले की तरह जारी रहेंगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा की इजाज़त मिलेगी जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं। जांच के दौरान ऐसे लोगों को अपना आई कार्ड दिखाना होगा। वहीं रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को भी छूट दी गई है, लेकिन उनके पास वैलिड टिकट होना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली की सभी अदालतों के स्टाफ सदस्य के साथ साथ वकीलों को वैलिड आई कार्ड पर घर से निकलने की अनुमति है। सभी स्वास्थ्यकर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ को भी आने जाने की छूट दी गई है। डॉक्टर के पर्चे पर अटेंडर के साथ साथ गर्भवती महिलाएं और अन्य रोगी अस्पताल जा सकते हैं। वैक्सीनेशन और कोविड की जांच के लिए भी आने जाने की छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान सभी को अपने वैध आई कार्ड और जरूरी दस्तावेज जैसे पास दिखाने होंगे। वहीं मिस्त्री, कारपेंटर, वाटर सप्लाई जैसी सेवाएं देने वाले निजी कामगारों के लिए पास जारी किया जाएगा। इसके साथ न्यूज़पेपर, हॉकर्स, IT सर्विस और बैंक के कर्मचारियों को भी कर्फ्यू के दौरान आने जाने के लिए DM से अनुमति लेनी होगी। फल और सब्जियां, दूध, दवाई और मेडिकल उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं को भी संबंधित DM ऑफिस से ई पास जारी करवाना होगा। बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को 17,335 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब संक्रमण दर 17% के पार पहुंच गई है। इस जानलेवा वायरस से बीते दिन 9 मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 39,873 पहुंच गए हैं। दिल्ली में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।